नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शो दिन बन जाएगा न्यूमरो विद मान्या में। इस शो में हम बात करते हैं आपके नंबर्स की, उनके पीछे छुपे हुए सीक्रेट की और जानते हैं इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने का मेथड, सो दैट आप अपनी लाइफ में लक को अट्रैक्ट कर सके और सक्सेस को प्राप्त कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 यानी कि 25 है तो आप ये वीडियो देखें। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी डेट, मंथ और ईयर को मिलाकर टोटल 7 बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 दो बार या दो बार से अधिक बार रिपीट होता है तो भी ये वीडियो आप देखें। देखिए, जो नंबर 7 है वह एक आध्यात्मिक नंबर है। इस नंबर की जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए नंबर को काफ़ी लकी माना जाता है। देखिए, वीक में जो डेज होते हैं वो भी 7 होते हैं, इसी तरीके से ये एक कोर नंबर है। अगर आप 7 की फॉर्मेशन देखते हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन है जिसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन सपोर्ट देने वाली है, यानी कि ये नंबर जो है एक कोर नंबर है। अगर आप अपनी लाइफ में लक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पे क्रिप करना बंद करना होगा। सेकंड, आप अपने कोर को कनेक्ट करें और अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लेकर आए। ब्लू कलर के पेन से आप एक चिट के ऊपर नंबर 7 लिखें और उस पेपर को हमेशा अपने साथ अपने पर्स में रखें या फिर अपनी पॉकेट में रखें। आइए बात करते हैं रिपीटिंग नंबर्स की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर में नंबर 7 दो बार आता है तो आप काफ़ी सेटबैक से गुजरते होंगे। आपकी लाइफ में हर काम बहुत ही स्लो होता होगा। अगर आपको सक्सेस जो है वह आपको काफ़ी सेटबैक से निकलने के बाद ही प्राप्त हुई होगी। अगर बात करें 7 नंबर की और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में यही नंबर 3 बार आता है तो आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस का सामना करना होता होगा। आइए बात करते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर में 7 नंबर 4 या फिर 4 से अधिक बार आता है तो यह प्लैनेट केतु आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देता है और आप आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। आप जो है आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, सोशल जो है सोसाइटी में नहीं मिलते जुलते, आपको लॉसेस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ में हेल्थ और रिलेशनशिप में भी इशू आने लगते हैं। तो अब इस केतु को यानी कि केतु प्लैनेट नंबर 7 को पॉजिटिव कैसे करें तो आइए जानते हैं। आप गणेश भगवान की पूजा करें, उन पे दुर्वा जरूर अर्पित करें, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाएं। इसके अलावा आप ब्राउन कलर से थोड़ा सा दूर रहे, ब्राउन कलर को नहीं पहने, वाइट कलर या फिर येलो कलर को धारण करें। और भी नंबर्स की जानकारी लेकर मैं आती रहूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।